बड़ी खबर, अब ग्वालियर बता रहे हैं आपको। उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस जुट चुकी है। ग्वालियर से बता रहे हैं आपको बड़ी खबर। इस वक्त उपचुनाव की तैयारियों में बीजेपी और कांग्रेस जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता लगातार दौरा कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने के लिए बैठकों का दौर जारी है। इस वक्त की खबर आपको ग्वालियर से बता रहे हैं, जहां पर उपचुनाव की तैयारियां चल रही हैं। कांग्रेस और बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। दोनों ही पार्टियों के बड़े नेता लगातार दौरे कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा रही है। राजनीतिक हलचल जो है वो तेज हो चुकी है। उपचुनाव की तैयारियां हैं जो बीजेपी और कांग्रेस कर रही है। दोनों ही पार्टियां बड़े नेताओं को लेकर दौरे कर रही है, कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोली जा रही है। इसी के साथ संतोष सिंह जुड़ चुके हैं हमारे साथ, संवाददाता ग्वालियर से। संतोष जी, क्या क्या कुछ पूरा मामला है, क्या है ताजा अपडेट वहां से? देखिए, मैं आपको बता दूं, जैसे ही प्रदेश की कांग्रेस सरकार गिरी है, उसके बाद प्रदेश के ग्वालियर अंचल संबल संभाग की जो बात की जाए, तो यहाँ 16 सीटों पर उपचुनाव होना है। इसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश के चाहे बीजेपी के नेता हो या कांग्रेस के नेता हो, दोनों ही दल के नेता लगातार ग्वालियर आ रहे हैं और उनका दौरा जारी है और बैठकों के माध्यम से कार्यकर्ताओं की नब्ज टटोलने का प्रयास किया जा रहा है। और यहीं जहां तक बात की जाए, 16 विधानसभा सीटों में जो उपचुनाव होना है, वहां के जो दावेदार है, टिकट के दावेदार दोनों ही दलों में, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दलों के जो दावेदार है, अपने पर्यवेक्षक और जो विधानसभा प्रभारी आ रहे हैं उनके सामने जोर आजमाइश कर रहे हैं और उनका शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं। उनका कहना है कि टिकट के दावेदार आने, जबकि कांग्रेस पहले ही कह चुकी है कि सर्वे के आधार पर ही टिकट दिया जाएगा, अंतिम निर्णय कमलनाथ जी को करना है। वही भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए तो सिंधिया के आने के बाद बीजेपी ने ग्वालियर चंबल संभाग की बात की जाए तो अकेले ग्वालियर की बात की जाए तो यहाँ पे गुटबाजी निकलकर सामने आई है। यहाँ सिंधिया के समर्थकों को जो बीजेपी के जिला स्तर के नेता है तो उनके समर्थकों को एडजस्टमेंट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं गतिरोध बना हुआ है, जिसको लेकर आए दिन समाचार पत्रों में और टीवी चैनलों में ये खबरें प्रमुखता से प्रकाशित की होती रही है। इस डैमेज कंट्रोल को रोकने के लिए भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी लगातार 3 से 4 दौरे यहाँ कर चुके हैं और दौरे के दौरान भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री माया सिंह से मुलाकात कर चुके हैं, पूर्व मंत्री अरुण मिश्रा से मुलाकात कर चुके हैं, पूर्व मंत्री नारायण सिंह कुशवाहा से मुलाकात कर चुके हैं, पूर्व मंत्री जयवंत सिंह पवैया से मुलाकात कर चुके हैं। तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में जो अंतर कला चल रहा है उसको डैमेज करने के लिए नरोत्तम मिश्रा जी को जवाबदारी दी गई है और वहां अपनी इस जवाबदारी को निभाने के लिए लगातार ग्वालियर आ रहे हैं और कहीं ना कहीं उनकी जो मीटिंग होती है वो गुप्त रूप से होती है, 10 से 15 मिनट मीटिंग चलती है। कहीं ना कहीं जो बंद कमरे के अंदर मीटिंग होती है तो कहीं ना कहीं जो सवाल जो निकल कर आते हैं कि आखिर ऐसी क्या वजह है कि डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा लगातार जो गुप्त वार्ता बंद कमरों में की जा रही है। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में लगातार जो ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में 3 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, एक डबरा पर होना है जो कि वहां से पहले जो चुनकर गई थी विधानसभा में इमरती देवी थी कांग्रेस की सरकार में, वो कैबिनेट मंत्री बनी थी। और ग्वालियर पूर्व 15 की बात की जाए तो यहाँ से प्रद्युम्न सिंह तोमर कैबिनेट मंत्री बने थे, दोनों ही सिंधिया समर्थक थे। एक सीट और है जिस पर चुनाव किया जाना है, वो है ग्वालियर पूर्व। तो यहाँ से पूर्व विधायक मुन्ना लाल गोयल है, वो भी सिंधिया समर्थक है और इन तीनों को ही ये दावेदारी की जा रही है कि बीजेपी से इन तीनों को टिकट मिलेगा। और कहीं ना कहीं अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस की तरफ से कौन दावेदार है जो इन तीनों को पछाड़ कर फिर से अपनी कमलनाथ जी की जो सरकार है उनको बनाने में अपना योगदान देगा। लेकिन पर्यवेक्षक और जो विधानसभा प्रभारी आ रहे हैं उनके सामने जो कांग्रेस के अंदर गुटबाजी है वो भी खुलकर सामने आ रही है। अगर कल की बात की जाए तो कांग्रेस के कार्यालय पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी जिसमें ये गतिरोध भी सामने आया कि हर व्यक्ति ने अपने अपने नेता को टिकट देने की बात कही। और बीजेपी, यहाँ पे अगर मैं बीजेपी की बात को रखूं तो बीजेपी जिला स्तर का जो यहाँ मंडल है, मंडल के लगभग 45 से 50 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस अध्यक्ष के सामने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, जबकि उनका दावा यह है कि लगभग 200 कार्यकर्ता
जो कि पूर्व विधानसभा के बताए गए हैं, वो भी बहुत जल्दी ही, चूंकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना है ऐसा कांग्रेस अध्यक्ष का कहना है, तो उनको भी जल्द ही कांग्रेस ज्वाइन कराया जाएगा। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको यहाँ बता देना चाहता हूँ और अपने दर्शकों को भी, कि कोरोना काल में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान ना तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा रखा जा रहा है, ना ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और नेताओं द्वारा रखा जा रहा है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ये जो नेताओं की लापरवाही है एक कहीं ना कहीं बड़ा कारण भी बन सकती है। अगर ग्वालियर की बात की जाए तो लगातार कोरोना के जो केस है निकलते जा रहे हैं, अभी अभी का ताजा आंकड़ा देखें तो लगभग 327 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं और लगभग 1500 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीजों की अभी रिपोर्ट आना बाकी है, जो कि 2 या 3 दिन पहले ही सैंपल लिए गए थे। तो ऐसी स्थिति में कांग्रेस के और बीजेपी के जो कार्यकर्ता है चुनाव की वायर में बहकर जो लगातार बैठकें कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये उनकी लापरवाही शहरवासियों को भी भुगतना पड़ सकती है। जी धन्यवाद संतोष जी आपका तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ आगे